दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें? अगर करें तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? भाई, इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं, हम उनको कैसे टक्कर देंगे? जैसे कि जियो मार्ट, ग्रोफर्स, बिग बास्केट, अब इनको टक्कर कैसे दें? आज बात करने वाले हैं पूरी चीज़ को। वीडियो को लास्ट तक देखना, कैसे सारी चीज़ को हम क्लियर करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी चीज़ें बताऊँगा कि शुरू कैसे करना है। इसके बाद मैं आपको ये डिस्कस करूँगा कि आपको इनसे कॉम्पिटिट कैसे करना है। तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ शुरुआत करने के लिए। देखिए, सबसे पहले शुरुआत जो हमें इसे बिज़नेस को करना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि हम इस बिजनेस को शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? रीजन, हमने क्या पहले किराना शॉप है, हमने क्या पहले वेजिटेबल सेल कर रहे थे, क्या हमारी कोई ऐसी शॉप थी जो हम सोचे कि भाई अब इस बिजनेस को ऑनलाइन लेके आया जाए, या फिर आप कोई वीडियोस देख के आए कि मेरे को अभी इस बिजनेस को शुरू करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास पहले से शॉप है तो आपके पास 40% 50% काम तो पहले से ही हो गया, क्योंकि आपके पास काफ़ी नॉलेज है, स्टॉक स्टोर सब चीज़ें हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो सकती है कि आप अभी वीडियो देख के गए और आपका मन हुआ कि मेरे को आप शुरू करना है, या पहले से आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरे को ये चीज़ शुरू करनी है और करनी है, आज वीडियो देखे तो अब आप और लग रहा है आपकी मुझे शुरू ही करना है। तो यहाँ पे फैक्टर मैं बता देता हूँ, अगर आप जीरो से शुरू करेंगे तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी, थोड़ा सा पैसा लगेगा और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें स्टोर भी बनाना है, स्टॉक भी करना है, हमें पैकिंग के लिए सारी चीज़ें करना है, और हमको एक्सपीरियंस भी नहीं अभी काफ़ी चीज़ों का। अब हमको ये देखना है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी शॉप है, पहले मैं ये बता देता हूँ कि ऑलरेडी हमारे पास शॉप है अगर, तो हमें क्या करना है। अगर आपकी ऑलरेडी किराना की शॉप है या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शॉप है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल दैट एक वेबसाइट और ऐप बनाना है। उस वेबसाइट ऐप में अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करना है और सीधे उसकी मार्केटिंग करके हमको ऑर्डर गेट करने हैं, दैट्स इट। अगर ये तो हो गया ऑलरेडी अगर आपके पास शॉप है। अब मान के चलो आपके पास शॉप नहीं है, आप शुरू से बिजनेस को करना चाहते हो, तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो आपको एक पूरा थिंकिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा, इसके बाद आपको पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, प्लान के बाद आपको एक स्टोर खोलना पड़ेगा, स्टॉक थोड़ा सा रखना पड़ेगा, वेबसाइट और ऐप बनानी पड़ेगी, मार्केटिंग के लिए पूरा सेटअप जमाना पड़ेगा, डिलीवरी सिस्टम के लिए पूरा सेटअप जमाना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, तो आप कौन सी चीज़ चूज़ करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अब मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, जीरो से शुरू करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ों को आप सेटअप कीजिए, बनाइए। हमने पिछली वीडियो में आई बटन पर जाइए या हमारे चैनल पर जाइए, बहुत सी वीडियो हमने बनाई है, उनको जाकर इन डिटेल में देखिए, या आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको हम पूरी वीडियोज़ की लिंक भेज देंगे, वो देख लीजिएगा। तो आपको ये चीज़ करना है भाई कि देखिए सारी चीज़ें पहले क्या है, तो आपको जो जो चीज़ें करना है पहले आप पूरी वीडियो देखिए, उसमें इन डिटेल बताया गया है कि आपको करना कैसे, स्टार्टिंग कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है भाई, हमने शुरू तो कर लिया बिजनेस, अब हमको आगे बढ़ना है, हमको बिजनेस करना है। अभी यहाँ पे नया बिजनेस है, तो आपको डिलीवरी सेटअप जमाना पड़ेगा, स्टोर में थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा स्टॉक में, और जो वेबसाइट बनाओगे प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की फोटो खींच के अपलोड करना अपनी वेबसाइट या ऐप में। अब देखो वेबसाइट ऐप का भी एक क्वेश्चन होता है ना कि वेबसाइट और ऐप क्या बेस्ट रहेगी, तो वो भी हमने वीडियो बनाया है। वैसे मैं बता देता हूँ कि वेबसाइट और ऐप में देखो आप अगर एप्लीकेशन बनवा लेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि क्लाइंट्स जो होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनको वेबसाइट चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, वेबसाइट से ऑर्डर करने में थोड़ा प्रॉब्लम जाती है, मान लो फ़ोन वगैरह से, तो हम सीधे ऐप बना दें, मोबाइल ऐप, और उसको लॉन्च कर दें, तो उसमें ज़्यादा सुटेबल हो जाता है, थोड़ा सा सहायता मिल जाती है अगर हमने ऐप बना दिया तो। तो ये चीज़ होती है, तो मेरे ख्याल से ऐप बेस्ट है अगर आपने एप्लीकेशन बनाया तो। अब आपने ऐप बना लिया, आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर ली, अब आपको क्या करना है, मार्केटिंग करना है अपने प्रोडक्ट्स की और अपने वेबसाइट की, क्योंकि मार्केटिंग अगर नहीं करोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपने ये बिजनेस शुरू किया है, तो मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग के बाद आपको डिलीवरी सेटअप, डिलीवरी के लिए कैसे आप जो बकेट होते हैं जो घर तक लेके जाओगे आप प्रोडक्ट्स को कस्टमर के, वो बकेट खरीदने पड़ेंगे आपको, पैकिंग के लिए पूरे आइटम खरीदने पड़ेंगे, वेजिटेबल को पैक करने के लिए कई अलग अलग टाइप की पॉलीथिन्स आती हैं उनको लेना पड़ेगा, जो नेट वाले पॉली बैग आते हैं, नेट के बैग्स आते हैं उनको लेना पड़ेगा, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे आलू वगैरह उसमें नेट के बैग में रखने के लिए, तो इस तरह के आपको प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, डिलीवरी सेटअप जमाना पड़ेगा, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और अगर आपके पास ऑलरेडी शॉप है तो आपको पता ही होगा कि भाई ग्रोसरी कैसे पैक करना है और प्रोडक्ट पैक कैसे करना है, ये चीज़ तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात आई कि आपने ये चीज़ करना है और ऐसे शुरू करना है ना। अब देखिए जियो मार्ट आ गया है, ग्रोफर्स आ गया है, आपको मल्टी सिटी में या बड़ी बड़ी सिटी में अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो जियो मार्ट से कैसे कॉम्पीट करें, इसका भी सॉल्यूशन हम जल्दी ही देंगे। देखिए सबसे पहले तो क्या है, हमको कोई बिज़नेस शुरू करना होता है तो हम अपने कॉम्पिटिटर को देखते हैं कि भाई हमारा कॉम्पिटिटर अभी कौन है और हम कितना आगे ग्रोअप करेंगे, तो पूरा प्लान बनाना पड़ता है। अभी देखो जियो मार्ट में काफ़ी, अभी जियो मार्ट और बिग बास्केट भी आ गए हैं, ग्रोफर्स है, तो ये लोग भी डिलीवरी करते हैं, तो जियो मार्ट और बिग बास्केट से कैसे कॉम्पीट करें? अगर
जियो मार्ट है, बिग बास्केट है, तो वहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा लोग करेंगे, हमसे क्यों मंगाएंगे भाई, हम नई कंपनी खोलेंगे। देखिए अगर मेट्रो सिटी में है तो थोड़ा सा कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन यार ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई शॉप खोली है, कोई किराना शॉप और बाजू में भी एक किराना शॉप है, तो अपनी आप बंद कर दोगे, आप खोलोगे ही नहीं क्योंकि बाजू में है। देखो ऐसा नहीं होता, आप एक नई कंपनी शुरू करने जा रहे हो, एक नई बिज़नेस, और उसको ऊंचे लेवल पे लेके जाना है, तो हम शुरुआत करें, धीरे धीरे करके हमारे पास ऑर्डर आने लगेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो न्यूजली होते हैं, अभी स्टार्टिंग में ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर उनके पास पहले पंपलेट पड़ा तो आपके पास ऑर्डर वो सीधे करेगा, है ना, अगर उसको पता चला आपके ऐप के बारे में तो वो आपसे ऑर्डर करेगा, है ना, ये चीज़ें होती हैं। जो लोग नए हैं, अभी कई लोग ऐसे हैं जो बिग बास्केट नहीं जानते, ग्रॉफर्स नहीं जानते, कई लोग ऐसे हैं, तो उनको थोड़ा सा जाके हमको मार्केटिंग करना है, ट्रेनिंग देना है, और उनको अगर ट्रेनिंग दी तो ऐसे कस्टमर एक्वायर होते जाएंगे, अगर आपने डिस्काउंट दिया, मंथली सब्सक्रिप्शन, डिलीवरी फ्री, ऐसा करके, तो आप उनसे ऑर्डर ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है भाई, कोई भी बिजनेस शुरू करो तो ज़रूर ये नहीं होता कि आपका बिजनेस चले ही नहीं, सही प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप काम करेंगे तो बिल्कुल आपके पास ऑर्डर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये चीज़ होती है, आप एक फिक्सली सिस्टम बना सकते हैं, डेली नीड्स के पैकेज बांध सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको डेली दूध चाहिए, ब्रेड चाहिए, अंडा चाहिए, ऐसे डेली नीड्स के प्रोडक्ट होते हैं, उनको हमें घर पे देना होता है, तो ऐसे कई 10-20 जगह पे आप मंथली सब्सक्रिप्शन बांध लो कि भाई आपके यहाँ डेली ये आएगा, मंथली चार्ज हम इतना लेंगे, आपके यहाँ डेली ये चीज़ें हम पहुँचा के आएंगे। तो ऐसा करके एक ये मॉडल रेडी हो गया। दूसरा, ऐसे ही लोगों को डिस्काउंट में दे दो, कॉम्बो पैक बना के सेल कर दो, तो ऐसे करके आपको सेलिंग बढ़ती जाएगी, और आपको ये ज़रूरी नहीं कि जियो मार्ट और उससे कॉम्पीट करना पड़े। देखिए जियो मार्ट और बिग बास्केट की बात करें तो भाई ये 2 दिन बाद डिलीवरी देते हैं, 1 दिन बाद, तो थोड़ा डिलीवरी उनकी लेट रहती है। अगर आप सेम डे डिलीवरी 1-2 घंटे के अंदर डिलीवरी दोगे तो आपके पास ऑर्डर करेंगे, लोगों के पास टाइम नहीं है अगर उनको तुरंत मंगाना है तो आपसे ऑर्डर करेंगे। कुछ भी चीज़ें हैं, आप उसमें कई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आप उसमें फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो है ही, ग्रॉसरी, और उसमें फूड आइटम भी ऐड कर सकते हैं, लोगों को खाना खाना है तो आपसे ही वो ऑर्डर करें, चाहे कॉल पे करें, चाहे व्हाट्सएप पे करें, तो ये चीज़ हो जाती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे काम करना चाहते हो, कोई दूसरा नहीं बताता, कुछ चीज़ें हमें अपने से इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, हम खुद से सीखेंगे, खुद से जानेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली समझ में आते जाएगा, तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड ज़्यादा ना रहें तो अच्छा है, हम खुद से इम्प्लीमेंट करते जाएँ, हमारे अंदर खुद फिर वो समझ में आते जाएगा, भाई इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, डिसीजन आप खुद लो और आप उसके आगे तक खुद ब खुद बढ़ते जाएंगे। तो हम यहाँ जियो मार्ट और बिग बास्केट ग्रॉफर्स से कॉम्पीट करने बैठेंगे तो उसी में हम लगे रह जाएंगे, अपना काम बेस्ट करते जाओ आपको खुद ब खुद आपका काम मिलते जाएगा, आपको खुद ब खुद ऑर्डर मिलते जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो हमें दूसरे से कंपटीशन पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपना काम बेस्ट देना है, हमें अपना काम बेस्ट करना है, ऑटोमेटिकली आप ग्रो कर जाओगे। अब देखिए जो भी इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं करना, पहले तो नाम सेलेक्ट कर लो आप। नाम सेलेक्ट करने के बाद कौन सा नाम आप स्टार्ट करना चाहते हो, बहुत से ऐसे नाम होते हैं ना जो पहले से बुक होते हैं, तो आपको एक ऐसा नाम डिफाइन करना है जिसका डोमेन मिल जाए, वेबसाइट मिल जाए, है ना, bigrock.com या godaddy.com पे आप डोमेन सर्च कर लो, देख लो कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं। अगर आपने ये चीज़ सर्च कर ली, फाइंड कर ली, तो आपका वहाँ पे उस नाम को डिफाइन कर लो, उसी नाम से आप अपना ऐप बनवा लो, वेबसाइट बनवा लो, और फिर अपना काम शुरू करो। नाम डिसाइड करने के बाद आपको ज़रूरी है यहाँ पे स्टोर बनाना, और जो जो चीज़ें बाकी आपको समझ में नहीं आते तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे लिख दीजिए, उसका आंसर हम आपको ज़रूर देंगे। कोई भी वेबसाइट हो या ऐप हो, अगर आपको बनाना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको उसका डेमो मिल जाएगा, और अगर आप कहीं टच में है तो आप वहाँ से करवा सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।